2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। आज क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता कहते हुए बताया कि बलिया का जो विधानसभा सदर सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं, वहां पर आनंद शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, उनका टिकट काट के उनको दिया गया है, जिससे एक तरफ नाराजगी है तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में खुशी की लहर भी है। लेकिन जब नारद जी ने बताया कि यह सारी प्रत्याशियों का जमाना जब होगा जो इस बार है, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और बलिया के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर साइकिल का परचम लहराएगा। हमारे विशेष संवाददाता लाइव टीवी एक्सप्रेस से बात करते हुए कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, महिला सुरक्षा हो चाहे बालिका सुरक्षा हो, किसान के हित की बात है, आवारा पशुओं की बात हो, सभी का ध्यान रखा है। बलिया से संवाददाता राजू कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। इस टाइम हम बलिया विधानसभा सदर में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नारद राय जी। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि होने वाले 2022 के चुनाव में खास तौर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दयाशंकर सिंह जी को दे दिया है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि खासतौर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के बलिया विधानसभा क्षेत्र से, तो नारद राय से चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि होने वाले 2000 खासतौर देखा जाए तो बलिया विधानसभा सीट से दयाशंकर सिंह जी मैदान में हैं, क्या लगता है कितना संघर्ष होगा चुनाव? दयाशंकर ही क्यों है, यहाँ तो शायद 13 लोग उम्मीदवार है, कहे दयाशंकर है, सब उम्मीदवार है, सबकी जमानत जब्त कराऊंगा। और देखा जाए तो यहाँ से आनंद स्वरूप शुक्ला थे, वो बैरियर चले गए, क्या वजह थी? ये तो भाजपा से पूछिए ना भाई, जो यहाँ 5 साल काम किया उसको भगा दिया और जो बाहरी है उसको बुला दिया, जमानत जब भाजपा की होगी। देखा जाए तो खास तौर बलिया में दो दो राज्य मंत्री थे और 5-5 विधायक थे, फिर भी बलिया कहीं ना कहीं विकास के रूप में पीछे रहा, क्या लगता है कि आप चुन कर जाएंगे तो खास तौर बलिया के लिए कुछ करेंगे? हमने 12 से 17 में बलिया का विकास किया था और फिर जीत के साथों सिर्फ समाजवादी पार्टी जाएगी, फिर बलिया का विकास होगा, भाजपा का उम्मीदवार हर जगह हारे। जैसे मैं आपको बता दूं कि इनका कहा नाम है कि 707 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और होने वाले 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं बलिया के विकास के लिए इनका योगदान रहेगा। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे।